सबसे पहले हम आज टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट ग्रामर का। तो ग्रामर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सवाल पूछूंगा कि जो ग्रामर आप पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर होते क्या है? ग्रामर तो आपने बहुत पढ़े हैं, लेकिन ग्रामर का मीनिंग क्या होते हैं? व्हाट इज ग्रामर? तो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर के मीनिंग होते हैं सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स, सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स गवर्निंग द कंपोजिशन ऑफ क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स इन ए सिस्टमेटिक वे। ग्रामर एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स है, जिसके इस्तेमाल करने से आपके क्लॉजेस, फ्रेज या वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज किया जाए एक सेंटेंस के अंदर, ताकि वो सेंटेंस आपको मीनिंगफुल हो, एक सेंस वो सेंटेंस से निकल के आए, उस चीज को कहते हैं ग्रामर। यानी इससे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये आइडिया मिलते हैं कि जो ग्रामर है वो लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। दैट मीन्स लैंग्वेज पहले आए थे और ग्रामर जो है ना वो सेट ऑफ रूल्स है जो कुछ पीपल्स ने, यानी कि ग्रामरियंस ने, बाद में उसको आइडिया देकर या बाद में उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामेटिकल इश्यूज, उन्होंने ये सारे रूल्स बना के आपको एक लैंग्वेज के ऊपर उसको अप्लाई करने के लिए, ताकि उस लैंग्वेज को आप प्रॉपर तरीके से बोल सके या उस लैंग्वेज को आप अच्छे तरीके से लिख सके या पढ़ सके। नेक्स्ट मेरा डिफिनेशन है, ग्रामर का डिफिनेशन है, इट्स अ ग्रामर दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। यानी कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज लिखना हो या अंडरस्टैंड करना हो या लिखना हो या पढ़ना हो, आप तब तक ठीक तरह से उस इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते जब तक ना आपके पास ग्रामर नहीं हो, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को अंडरस्टैंड होने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को या इंग्लिश को अंडरस्टैंड होने के लिए या लिखने के लिए या राइट करने के लिए या रीड करने के लिए या इवन की स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए भी, अगर आपको पढ़ना है इस इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वो आपको ग्रामर मदद कर लेते हैं। तो ये चीज आपको ग्रामर से मिलते हैं कि जो ग्रामर है वो एक सेट ऑफ रूल्स है, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है, जो हम लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि वो लैंग्वेज एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक सेंटेंस बन जाए, सेंस निकल के आ जाए। यूजुअली मिसाल के तौर पर अगर हम आप, और शायद शायद आपके दिमाग में सवाल भी उठेगा कि सर फिर जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी बोलने वाले जो अंग्रेज लोग होते हैं, तो क्या वो लोग पैदाइशी से ही ग्रामर लिखना पढ़ना शुरू करते हैं ताकि इंग्लिश बोलचाल करें? नहीं, ऐसा नहीं होते, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज उनका नेटिव लैंग्वेज होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे लैंग्वेज हम बचपन से ऐसे ही बोलना शुरू कर लेते हैं। क्या हम बचपन में भी हम भी क्या बचपन से ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने लैंग्वेज का, अपने पुर्गी लैंग्वेज का? नहीं, ऐसा नहीं होते, क्योंकि जो हमारे लैंग्वेज होते हैं वो स्लैंग होते हैं, वो प्रॉपर उसमें आप ठीक तरह से उसमें ग्रामर भी यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे बंदे को अगर हमारे लैंग्वेज को सीखना है या पढ़ना है या उसको अंडरस्टैंड होना है, तो सबसे पहले हमारे ग्रामर के रूल्स को, हमारे लैंग्वेज के रूल्स को समझना पड़ेगा उसको अंडरस्टैंड होने के लिए। तो इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड होने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए या रीड करने के लिए या लिखने के लिए या स्पीक करने के लिए आपको इंग्लिश ग्रामर मस्ट है, उसके सेट ऑफ रूल्स आपको इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको उसी सेट ऑफ रूल्स के जरिए आप उस इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकते हैं। तो आगे हम आगे बढ़ेंगे कि ग्रामर तो आप समझ में आ गया कि ग्रामर होता क्या है, ये भी एक साइंस है। मान लीजिए जैसे कि आपने बायोलॉजी साइंस है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, इसी तरह से फिजिक्स है, इसी तरह से केमिस्ट्री है, साइंस ऑफ स्टडी, साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो इसी तरह से ग्रामर भी एक तरीके से, ये भी एक साइंस है, ये लैंग्वेज को स्टडी करते हैं और लैंग्वेज को स्टडी करने के बाद लैंग्वेज के ऊपर ये रूल्स अप्लाई करते हैं ताकि वो लैंग्वेज आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? क्योंकि हमने अभी कहा ग्रामर में कि ग्रामर को लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई करते हैं ताकि उस ग्रामर एक सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स है, ताकि वो सेंटेंस जो है ना वो एक मीनिंगफुल बन जाए, ठीक है? तो अभी हमें स्टार्ट करने की सेंटेंस क्या है, तो इसमें जो पॉइंट आया था वो था सेंटेंस। तो व्हाट इज सेंटेंस? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस जैसे कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट आर अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे,
प्रॉपर तरीके से उसको उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाए दैट गिव्स और प्रोड्यूस सम मीनिंग, और उस सेंटेंस से कुछ मीनिंग निकल के आए, उसको कहते हैं सेंटेंस। यानी कि जो आप हर रोज डिफिनेशन पढ़ते हैं सेंटेंस का, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाए ताकि उस सेंटेंस से कोई मीनिंग या सेंस निकल के आए। ये डिफिनेशन आपने बहुत सारी चीजों में या बहुत वक्त आपने शायद पढ़ा होगा, जैसे कि काउ ईट्स ग्रास, काउ ईट्स ग्रास, ये रहा एक सेंटेंस। एक प्रॉपर तरीके से हमने सिस्टमेटिक तरीके से हर एक वर्ड को अरेंज किया ताकि ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाए, और हर एक वर्ड्स को हमने अरेंज करके अपने अपने जगहों पे रखा। तो हमारा नेक्स्ट टॉप क्या इसको डिफिनेशन सेंटेंस का ये भी हो सकता है, ये भी होगा कि अरेगुलर सेंटेंस, अरेगुलर सेंटेंस मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस, अरेगुलर सेंटेंस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक कंप्लीट सेंटेंस में अगर आप देखा जाए कि पहले डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन ये भी है कि एक कंप्लीट सेंटेंस तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक ना उसके अंदर एक सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम सेम एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे, क्या इस डेफिनेशन में ये लॉ बराबर आते हैं कि नहीं, जैसे कि काउ इज ग्रास, तो क्या इसमें हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन क्लियर आ रहे हैं कि नहीं। हमने क्या कहा था नेक्स्ट डेफिनेशन में, एक रेगुलर सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आते हैं, क्या इधर आ गया, काउ इज अ सब्जेक्ट, इट्स वर्ब एंड ग्रास इज ऑब्जेक्ट, तो दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन यहां पे कंप्लीट होते हैं। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज अ रेगुलर सेंटेंस। रेगुलर सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, एक रेगुलर सेंटेंस यूजुअली हमारा दूसरा डेफिनेशन ये भी है कि एक रेगुलर सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड हो जाते हैं या तो फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे या एक्सक्लेमेटरी मार्क पे। ऐसा भी हमारा सेंटेंस हो सकता है कि कोई कुछ सेंटेंस फुल स्टॉप पे भी एंड होगा, ठीक, या तो क्वेश्चन मार्क पे भी एंड होगा, कोई क्वेश्चन पूछा होगा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क पे भी, या एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारा जैसे कि इसमें भी हमारा रूल अप्लाई होता है, जैसे कि हमें लिखा था काउ ईट्स ग्रास, यहाँ पे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ और फुल स्टॉप ये फिर से एंड हुआ। एंड नेक्स्ट वन इज, दूसरा डेफिनेशन भी इसका ये है कि रेगुलर सेंटेंस और कंप्लीट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक रेगुलर सेंटेंस में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखो कि एक रेगुलर सेंटेंस और एक कंप्लीट सेंटेंस में क्या होते हैं कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। वो क्लॉज में आपको बाद में समझाऊंगा, बाद में जब हमारा टॉपिक नेक्स्ट आगे पहुंच जाएगा तो क्लॉज क्या होते हैं उसका जो टाइप्स होते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये याद रखो एक कंप्लीट सेंटेंस में, एक रेगुलर एंड एक कंप्लीट सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, ये भी याद रखो। तो ये चीजें आपको सेंटेंस का डेफिनेशन है कि सेंटेंस मीन्स क्या होते हैं। सेंटेंस सबसे पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अरेंज इन सिस्टमेटिक वे ताकि उस सेंटेंस से कुछ मीनिंग निकल के आए या वो सेंटेंस से थोड़ा सा सेंस दे, मीनिंग दे। फॉर एग्जाम्पल काउ इज ग्रास, अगर मैं सिर्फ सेंटेंस का डेफिनेशन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही लिख के रखूंगा, अगर मैं सेंटेंस की डेफिनेशन के लिए सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही लिख के रखूंगा तो वो सेंटेंस नहीं होते, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में बहुत कुछ हो सकता है। मैं इसी सेंटेंस में से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इधर उधर करके भी लिखूंगा तो क्या वो सेंटेंस होगा, नहीं होगा। क्यों, फिर उसके बाद हमने सेंटेंस के डेफिनेशन को आगे क्या कहा, अरेंज इन सिस्टमेटिक वे। हमने आगे फर्दर कहा कि खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही नहीं बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज भी किया जाए। उसके बाद हमने फर्दर कहा, आगे कहा कि ताकि उस सेंटेंस से थोड़ा सा यानी कि कंप्लीट मीनिंग निकल के आए, कंप्लीट सेंस दे, तब जाके वो सेंटेंस, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है। जैसे कि आपने जंबलेट सेंटेंस देखा होगा, वो जंबलेट सेंटेंस
नहीं होते, उसमें कभी उधर करके वर्ड्स को इधर उधर आगे करके लिखा होता है, फिर बाद में हमें उस सेंटेंस को रीराइट करके प्रॉपर सेंटेंस बना होते हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं हमारा दूसरा जो डेफिनेशन है वो है एक रेगुलर सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और एक ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक। जैसे कि काउ ईट्स ग्रास, ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें काउ सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है एंड ग्रास इज ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन, हमने ये कहा कि एक जो रेगुलर सेंटेंस या कंप्लीट सेंटेंस वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एंड्स विद फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये चीज होते हैं आपको सेंटेंस, ठीक है। थैंक यू।